The force of attraction between two point charge. The force of attraction between two point charge placed at a distance d. Placed at a distance d is F. Placed at a distance d is F. What distance apart? स्पीड से लिखोगे चलो तो सुन रहे कर लोगे. व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दे कैप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज 2F. देखो इसमें कहीं पे भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू नहीं है, है ना? याद करना, ये भी एक टाइप है. टाइप में बोला टाइप भी कराएंगे आपको क्वेश्चंस पे. न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं क्लास? न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें आपको लगता है कि वैल्यू दी होंगी, गुणा भाग करेंगे आंसर निकालेंगे. वो बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड. ये होते हैं आर्टिकल्स. इसमें वैल्यू दे रखी है, फिर भी ये क्या है? न्यूमेरिकल से हो जाएगा. तो देखिए दो क्या है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज कितने पे है? डिस्टेंस डी पे. दो पॉइंट चार्ज हो गए, Q1 Q2 मान ले. इनमें जो डिस्टेंस कितना है इनिशियली डी मान रखते हैं. और तो फोर्स कितना है? F होगा. F इज इक्वल कितना है कि Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर. यस सर नो. अब क्वेश्चन ये है कि इनको कैसे रखा जाए, डिस्टेंस कैसे करें कि फोर्स डबल हो जाए. यस और नो? चार तो वही है, सब कुछ वही है. फोर्स कितना कर दिया आपके पास? एफ डैश ले लू, पहले का डबल हो गया. तो डिस्टेंस कितना है बताएंगे, निकालना पड़ेगा. एफ डैश का वैल्यू कितना हो गया? के तो वही रहेगा, चार तो वही है. Q1 Q2 डिस्टेंस निकालनी, आर स्क्वायर मान लो, सबको निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर. हो जाएगा सिंपल है भाई. एफ डैश का वैल्यू कर दो कितना है, तेरा 2F है? 2F नहीं है, कितना है ये? 2F. गुणा करो कितना आएगा? 2 × Q1 Q2 / d² = k Q1 Q2 / r². समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काट दो जो कट रहा है. क्या बचा यहाँ? बचा 2 × d² = 1/r² Two electron and a positive charge q are held along a straight line. Okay. At what position? And for what value of q? At what position? And what value of Q will the system be in equilibrium? फिर पूछ लेता कि इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, स्टेप कैसा होगा. कर लोगे? जरूर नहीं भी कर लोगे. क्या क्वेश्चन अभी क्लास? एक लाइन पर तीनों चार्ज होंगे, ये ना? एक लाइन पे क्या तीनों चार्ज रखने हैं? इस तरह रखने हैं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए. इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन. दो तो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अरे क्या है पॉजिटिव चार्ज. कैसे रखते हो बताओ? तीन पॉइंट मान लें, पॉइंट बीच में, पॉइंट राइट, कहीं से बीच में कहीं से. कैसे रखते हो बताओ? इमेजिन करो यहाँ मैंने चार्ज लिख दिया, यहाँ पर रख दिया इलेक्ट्रॉन, लिख दिया की यहाँ पर रख दिया इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर रख दिया पॉजिटिव चार्ज.
या 4-0 क्या जीरो हो गया फिर ये इसको खींचेगा ये भी इसको खींचेगा भाई दोनों की तरफ से खींचे मान जीरो कब होगा फोर्स तो एक ऐसे खींच रहे हैं कैसे खींच रहे हैं यस और नो सब पॉसिबिलिटी जीरो हो जाएगा आंसर तो इसका बीच था कि बीच को नहीं रखे यस और नो रख कर दे तो कैसे रखो दो ये आपकी क्या है इलेक्ट्रॉन ई और ई अब यहाँ पे क्या है प्लस क्यू का डिस्टेंस डी मान ले एक्स बुक में तो बताओ कैसे बताओ नेट फोर्स जीरो होना चाहिए अब भाई प्रॉब्लम है इसमें इक्वेशन तो होगा नेट फोर्स जीरो है पक्की बात है अब फोर्स निकालो इसका वैल्यू इसका वैल्यू सेम निकला फायदा है एक ही निकलेगा इसका आंसर निकल और इसका निकल वाला सेम आंसर है चेक करो डिस्टेंस सेम है चार सेम है बस गया आपको नेट तक बात करते हैं नेट बात करते हैं कौन किस पे फोर्स लगा रहा है पता तुम्हें पहला कंडीशन ये इसको लगा रहा है अट्रैक्टिव टू रिपल्सिव ये इसको लगा रहा है एक बात और कौन लगा रहा है ये इस पे क्यों लगा ये इस पे लगा एक ही बात ये सर नो और मेरा क्या बोला था रहा जब एक ही बात उसको छोड़ दीजिए ये इस पे लगा रहा है ये इस पे लगा रहा है एक को फेंक निकाल दो कर लोगे और ये इस पे भी निकाल रहा भाई और ये इस पे लगा रहा है इसको कोई निकाल लो तो कौन कौन से फोर्स लग रहे दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लग रहा है और एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव के बीच में एक्चुअली दो ये हो रहे यस और नो तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए जीरो निकालो फिर ये डिस्टेंस कितना हो गया एक्स बाई टू है ना एडी ले लेंगे सत्ती का तम कितना ले इसको बीटा में बीच में होगा भाई नेट फोर्स जीरो कर लोगे तो पहला फोर्स भी किस बीच में निकालें इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में निकाल लोगे अट्रैक्टिव रिपल्सिव यस और नो तो कैसे निकालो 1/4πε0 इसको देखो फोर्स में कहीं पे भी हम प्लस माइनस चीज नहीं करते क्योंकि पता डायरेक्शन आएगा अगर दो प्लस क्यों होते रिपल्सिव ना हो दो माइनस क्यों होते रिपल्सिव तो एक प्लस एक माइनस क्या क्या होगा ये तो डायरेक्शन लिख दो खुद ही कर या पहले लिख दो दिखाने के लिए कि प्लस एक माइनस पक्का इनवर्स में क्या होना है डायरेक्शन देने जो तुम पढ़े एक वो भी पार्ट करवा रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नेगेटिव ये क्या है ये मान लेते हैं क्या दिक्कत है तो कैसे लिखोगे इसको माइनस की प्लस क्यू बाई एक्स बाई टू का होल स्क्वायर यस और नो एक तरीका होता है उसका करने का हो गया इतना भी प्लस ए पर फोर्स है भाई कौन सा 1/4πε0 कौन सा भाई माइनस की बाई एक्स क्यूब क्या मैंने सही लिखा इज इक्वल टू कितना आया थी रिपोर्ट रखा कि इक्विलिब्रियम में हो जीरो सही है तो निकलना क्या है क्या सुन क्या चार्ज वैल्यू निकलना क्यों का क्यों वैल्यू निकलना है ना What is the way, what is the position and value of Q? मैंने पता कोई मैंने क्या लिखा क्वेश्चन में क्या लिखा है At what position लिखा है And what value of Q? दोनों निकाल पोजीशन दबा के बीच में रखना है वैल्यू ऑफ क्यू भी निकालना कितना वैल्यू रखें क्यू का तो निकाल लो दिक्कत नहीं रहेगी भी कि इसको क्या मान लोगे कि लेते बार बार लिखना पड़ेगा इनके लिए यहाँ पे क्या हो गया माइनस ई क्यू बाई एक्स स्क्वायर ऊपर फोर लेते हैं इसे फोर हो जाएगा प्लस प्लस हो गया इसमें लोगे के ई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मैंने सही लिखा है पता नहीं यस और नो यहाँ पे ले जाऊँ माइनस का हो जाएगा माइनस ई ये क्या था ना ये गुणा में के 4 e
by x square is equal to minus k e square by x square. माइनस करेंगे, माइनस से माइनस काट दूं, k से k काट दूं, x square से x square काट दूं, क्या बचेगा भाई बड़ी दो वैल्यू q, q is equal to e से काट दूं, कितना बचा e by 4, बस यही है, क्यों का वैल्यू कितना होगा, चार्ज के इलेक्ट्रॉनों ऑफ सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1 by 4 अरे समझ में आया तुम लोगों को यस सर ना ये लिखो जल्दी से कंसीडर थ्री चार्जेस लिखो जल्दी से कंसीडर थ्री चार्जेस q1 q2 q3 q1 q2 q3 each equal to each इसको डाल दो इसके अलावा कहीं भी नहीं हो गए इस पॉइंट के अलावा समझ में आया तो कौन सा है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है छोड़ छेड़ दोगे ना तो वापस कभी नहीं आएगा इस पॉइंट पे इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कर लोगे जब एक पॉइंट को छोड़ गए कहीं भी नहीं हो सकता है देख लीजिए इसको दोबारा क्वेश्चन लिखिएगा एक बार कंसीडर थ्री चार्जेस q1 q2 q3 ईच इक्वल टू q और इक्विलिब्रियम कितनी है q at the vertex of a equilateral triangle of side L what is the force on the charge Q capital Q likha on the charge plus Q having same sign मतलब सारे लाइक हैं having it same sign placed at the centroid of the triangle having same sign placed at the centroid of the triangle आपको एक ट्रायंगल गिवन है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है इसकी हर साइड बराबर हो यस सर ना इसकी हर एक साइड पे चार्ज रखे गए एबीसी मान ले हर एक साइड पे सॉरी किस पर रखा गया है वर्टेक्सिस के ऊपर ये होते वर्टेक्स कितना चार्ज है q1 ये क्यों ले लेते कितना q है भाई q2 ये भी q है q3 ये भी q बोल रखा है हैविंग इक्वल वैल्यूज q साइड कितना है l हर एक साइड कितना है इसका l सेंट्रोइड कौन सा होगा इनके एंगल्स को बीच में लाओ यस और नो यस और नो पता है कि नहीं यहां पर रख दिया मैंने प्लस q सर सारे तो सारे प्लस यूज कर रहे ओके क्वेश्चन ये है कि इस पे कितना था सॉरी इस पे कितना फोर्स लगेगा इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा क्यों लगाएंगे कैसे लगाएंगे अट्रैक्टिव रिपल्सिव रिपल्सिव को भी सेल लाइक सर देते हैं यस और नो इस पे क्या मैंने बोला था कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस तरीके से F1 ये वाला लगाएगा ऐसे रिपल्सिव फोर्स होंगे F2 ये वाला लगाएगा F3 भी सही है अब देखिए पहले तो हम F1 F2 F3 निकाल लेते हैं भाई F1 निकालने के लिए मेरे को डिस्टेंस चाहिए ये वाली इसको नाम दे देते हैं ABC और इसको क्या नाम दिया था हमने ओ सेंट्रोइड क्या था ओ तो ये डिस्टेंस देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों की सेम होगी भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यूज कर रहे हैं हम लोग के डिस्टेंस निकाल सकते हो अगर इसको यहाँ पे मिलाएं तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा अभी इट इज़ L/2 पूरी लेंथ L है ये कितना होगा L/2 ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री ये निकालना है ये दे रखा है तो क्या बनेगा टेंजेंट बन जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री क्या होगा यहाँ पे लिखो तो ये पॉइंट क्या मान लें भाई कुछ मान लें इसको M OM बाई BM सी है ओ एम बाई बी एम ओ एम निकालें तो हमें ओ एम निकालना है नहीं
निकालना क्या हमको, ओ बी निकालना, अभी गलत कर दिए, कितना आएगा देखिए दोबारा देखो भाई, ये निकालना थोड़ी ये था अभी, है ना, बी बी ओ निकालना था, ये दे रखा कुछ भी मान लो आप में से, ये कितना है एल वाई टू, तो कोस निकालेंगे टेंजेंट निकालेंगे, एक बेस बाई हाइपोटेन्यूस आ जाएगा अभी, यस सर ना, यही करना पड़ेगा अभी, और तो कुछ सही रहती नहीं है, कोस निकलेगा ना, तो ये कितना आएगा कोस 30, कितना आएगा कोस 30 आएगा बी एम बाई बी ओ, ठीक है, कोस 30 कितना होता है अभी अंडर रूट 3/2 बी एम बाई बी ओ, गलत कर रहे हैं हम लोग, गलत कर रहे हैं है? तो बी ओ कितना आएगा अभी, बी एम कितना है, बी एम है एल बाई टू बाई 2/√3, कट दें, बी ओ कितना आया एल बाई अंडर रूट 3, सही है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तीनों की वैल्यू कितनी है एल बाई अंडर रूट 3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वन भाई, एफ वन कितना होगा, कितना होगा के ले लें, क्यू क्यू बाई एल बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर भी, एफ टू के बाई क्यू क्यू एल बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर, सभी में सेम वैल्यूज होंगी भी, एफ थ्री के क्यू क्यू एल बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा भी, कर लोगे, फोर्सेस को देखें तो तीनों फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, एफ वन ऐसे लग रहा है, इट इज एफ वन भी, ये कितना है एफ टू, ये कितना है एफ थ्री, ठीक है, दोनों को जोड़े तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम से जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा इनका रिजल्टेंट, इट इज एफ डैश ले लेते हैं, क्या आप एफ डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, एफ डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, ये जब कर दें भाई, अगर एंगल की बात करें भाई, ये एंगल कितना होगा प्लस, एक सौ बीस देख लो कितना होगा, अरे बता दो, वन ट्वेंटी, अरे होगा कि नहीं होगा, वन ट्वेंटी कैसे होगा, वन ट्वेंटी कैसे होगा, ये कितना है 60, ये कितना है 60, ये कितना होगा, ये 30 है, 30 है, ये 30 है, कितना हो गया 60, तो ये कितना होना चाहिए 120, 180 होता भाई, इस ट्रायंगल को देखें तो 30 60, ये कितना होना चाहिए 120, इसके अपोजिट एंगल है भाई, कितना होगा 120, समझ में आ रहा है, एंगल कितना होगा 120 डिग्री भी, तो इसके अकॉर्डिंग अगर निकालें रिजल्टेंट कितना आएगा, रब कर दें इसको, तो फार्मूला क्या बनता है भाई, एफ डैश इज इक्वल टू अंडर द रूट एफ टू स्क्वेयर प्लस एफ थ्री स्क्वेयर प्लस टू एफ थ्री कोस 120, याद है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, रिजल्टेंट क्या होता है, सारे एफ होते हैं भाई, यूज किया हुआ है सभी बराबर वैल्यूज के हैं अभी, एफ डैश बराबर है कितना, ये एफ स्क्वेयर प्लस टू एफ स्क्वेयर, सही है, कॉस 120 कितना होगा 90 प्लस 30 करके देखो, कॉस 90 प्लस 30 है 90, कॉस 90 प्लस 30 करोगे तो कितना होगा, साइन का कि कॉस का,
साइन का होगा 90 आ गया। यस सर, कोस से 90 प्लस 30 के अंदर साइन जो सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता भाई, ऑल स्कूल टू कॉलेज यूज करते। यस सर, माइनस का आएगा, माइनस साइन 30 माइनस 1/2, तो ये माइनस 1/2 सही है कि नहीं है? काट दें इसे, काट दें, माइनस का हो गया। क्या बचा? एफ स्क्वायर। एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी? एफ या सर नो, ये वैल्यू कितनी होगी? इक्वल टू एफ, ये भी एफ है भाई। इस पॉइंट पे एक फोर्स एफ लग रहा है, एक फोर्स एफ लग रहा है, नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। या सर नो, नेट कितना होगा भाई? एफ डैश प्लस एफ इक्वल टू कितना भी? अपोजिट एंगल हैं तो एक क्या लेना पड़ेगा? माइनस का। अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या है? इक्वल टू माइनस का। कितना होगा भाई? एफ माइनस एफ, सॉरी ऐसे, इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर? जीरो। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई। लिखो कंसीडर, जाओगे कंसीडर द चार्ज क्यू क्यू एंड माइनस क्यू, कंसीडर द चार्ज क्यू क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टेक्सिस, प्लेस्ड एट द वर्टेक्सिस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वर्टेक्सिस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच साइड एल, ईच साइड एल, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्जेस भी, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्जेस, हर एक पे निकालना है। ओके, देखिए हमारे पास से ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, एबीसी मान लेते हैं, तीन चार्ज हैं अभी, इनके वर्टेक्सिस क्या है कहीं भी मान लो मर्जी है आपके भी। ये क्यू मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं, ये क्यू मान लो, ये कितना हो गया? माइनस क्यू। ठीक है, हर एक पे चार्ज निकालना, हर एक पे फोर्स निकालना आपको, हर एक साइड कितना दे रखा है? एल। ओके भाई, अगर माने ए पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? ये बी भी लगाएगा और सी वाले भी लगाएंगे। यस और नो, अट्रैक्टिव होंगे कि रिपल्सिव होंगे भी? क्योंकि ये नेगेटिव है, दोनों क्या हैं? पॉजिटिव हैं, तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेगा इसको अट्रैक्ट किए? ये वाले फोर्स, ये एफ को एफ वन मान लेते हैं, इसको एफ टू मान लेते हैं, इसको एफ थ्री मान लेते हैं। यस और नो, तो इसको कैसे खींचेगा? ये ऐसे अपनी तरफ विद सम फोर्स। एक चीज़ और भी याद रखिए, सब कुछ सेम है भाई, मैग्नीट्यूड भी सेम है, वैल्यू भी क्या होंगे? सेम होंगे, लेंथ भी सेम होगी हर एक में, तो उसको एफ ले लूँ, सिंपल एफ। यस और नो, मैं लिख सकता हूँ कि एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू एफ थ्री इक्वल टू कुछ तो वैल्यू होगी, एफ ले लेते हैं। सारे एफ वन एफ टू बाद में लिखने से अच्छा है पहले लिख देते हैं, इनको बराबर कर लोगे भाई। ये एफ वन हो गया, इस तरफ खींचेगा इसको, ये वाला ऐसे खींचेगा, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? अगेन बाई यूजिंग पैरेलोग्राम्स लॉ भाई। यस और नो, पैराग्राम पूरा कर लें, तो ये फोर्स क्या होगा? लिख सकता हूँ इसको एफ ए लिख दूँ भाई, नेट फोर्स होने, क्या आप एफ ए निकाल सकते हो? कोई बड़ी बात नहीं है। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस पे कितना होगा क्लास? बी पे चेक करो, बी पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है भाई? ए, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? अट्रैक्टिव, ये उसको ऐसे खींचेगा अभी। यस और नो, विद सम फोर्स एफ, और ये सी वाला इसको धक्का मारेगा ऐसे, इस तरीके से रिपल्सिव है भाई, लाइक चार्जेस हैं ये और ये, तो यस और नो, तो इनका क्या होगा रिजल्टेंट? पैरेललोग्राम पूरा कर लेते हैं, ये इनका होगा भाई। समझ में आया कि नहीं आया अभी? ये कौन सा है? एफ बी मान लेते हैं इसको, नेट फोर्स ऑन बी। इसको देखो, इसको कौन खींच रहा है? ए, ऐसे खींचेगा,
विद सम फोर्स एफ, रिपल्सिव ऐसे होगा विद सम फोर्स एफ, इसका भी सेम होगा भाई इस तरीके से, सही है कि नहीं है बताओ। यानी मैं देख पा रहा हूँ एफ बी आर एफ सी बराबर होंगे भाई, एक निकाल लेते हैं, कर लोगे? तो पहले तो एफ निकालो, एफ है कितना भी, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर, क्यू इंटू क्यू कर दूँ बाई एल स्क्वेयर, दो के बीच का फोर्स, दो के बीच का फोर्स, दो के बीच का फोर्स, यही तो होगा। माइनस क्यों यूज़ नहीं किया मैंने, डायरेक्शन आएंगे भी मैंने यूज़ कर रखी है इसलिए माइनस छोड़ दिया उसको, डायरेक्शन नहीं यूज़ करनी तो माइनस लगा लो। यस सर ना, जब मैं डायरेक्शन दे दी मैंने यहाँ पे, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब डायरेक्शन दे दो तो माइनस मत लिखिएगा उसको, वो दिखाने के लिए कि अट्रैक्टिव करेगा कि रिपल्सिव करेगा, भी हो जाएगा भी, तो वैल्यू यही होगी, हर एक की वैल्यू यही होगी भी। ये निकालो भी कितना आएगा एफ ए, तो मैं एफ ए निकालूँ तो कितना कैसे निकालना पड़ेगा मेरे को, दो फोर्स अभी बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशंस, क्या लिखोगे? एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस टू एफ वन एफ टू लिखते ना, तो एफ स्क्वेयर लिख दे दूँ, कोस कितना भाई 60 डिग्री, कितने एंगल के बीच में 60 डिग्री, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कितना कोस 60 कितना होता है, वन बाई टू, वन बाई टू होता है, पर मारो कान पर, टू से टू काट दे, यस सर नो, टू से टू काटें, एफ स्क्वेयर एफ स्क्वेयर एफ स्क्वेयर कितना हो गया 3f² सही है कि नहीं है? यस सर नो, तो एफ ए की वैल्यू कितनी, एफ अंडर रूट 3, कर पाओगे? इसका हो गया, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, कितना एंगल, ये हो गया भाई इतना वाइज, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कितनी वैल्यू होगी, के क्यू स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर अंडर रूट 3 भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपनी हमने बता दिया आपकी वैल्यू कितनी है अभी। एफ बी कितना होगा अभी क्लास, एफ बी में क्या करोगे, वही निकालना पड़ेगा आपको सेम तरीके से भी, अंडर द रूट एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस टू एफ स्क्वेयर, ये बात समझ में आ रही है? कॉस कितना भाई 120 डिग्री, 120 क्यों हुआ, ये 60 है ये पूरा 180 होता है, कितना बचा 120 बच गया, यस और नो, और कॉस 120 कितना होता है माइनस वन बाई टू होता है, कितना होता है माइनस से वन बाई टू, वन बाई टू से टू काट दूं तो माइनस से एफ स्क्वेयर बच जाएगा, एफ स्क्वेयर से एफ स्क्वेयर काट दूं एफ स्क्वेयर बच जाएगा, अंडर रूट करोगे तो ये सिर्फ एफ बचेगा, यस और नो, सेम एफ सी भी निकलेगा भाई, एफ सी भी कितना होगा एफ होगा भाई, सेम वही एंगल बन रहा है 120 डिग्री, हो जाएगा क्लास, एनी प्रॉब्लम भाई? नेक्स्ट लिखिए, टू पॉइंट चार्ज प्लस सिक्स क्यू प्लस सिक्स क्यू एंड माइनस एट क्यू, प्लस सिक्स क्यू एंड माइनस एट क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्सेस, आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्सेस बी एंड सी, वर्टेक्सेस बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड ए obtain an expression for magnitude and direction of resulting फोर्स, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, नेक्स्ट का हमने टॉपिक कर लिया है, चलो कोई नहीं, रिजल्टिंग फोर्स ऑन वन कॉलम चार्ज एट ए ड्यू टू
दीज चार्जेज, ड्यू टू दीज चार्जेज। बुक में जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, उसमें ऑब्वियस होता है एक चार्ज क्या होता है प्लस क्यू वन कॉलम का होता है, मतलब इसमें फोर्स निकालना आपको, हमको इलेक्ट्रिक बिल आपका हुआ नहीं अभी तक। सेम टॉपिक उसके भी होते हैं वैसे ही, ठीक है। देखिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, सेम टॉपिक है जो हमने किया। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं भाई। बी पे रख दिया मैंने मान लेते हैं प्लस क्यू सिक्स चार्ज क्यू, यहाँ पर रख दिया मैंने माइनस एट क्यू, और ए पे रखा हुआ है प्लस वन क्यू, ले लेते हैं इसको वन क्यू ले लो भाई, कॉलम नहीं वन क्यू, ठीक है, या वन ले लो एक ही बात है, हो जाएगा भाई। तो आपको ए पे नेट क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना और डायरेक्शन भी निकालना, दोनों आंसर निकालने हैं भाई आपको। तो इस पे ये कैसे फोर्स लगाएगा भाई, बी रिपल्सिव, इसको एफ टू ले लूँ भाई, ये सर ना, तो एफ टू कैसे होगा ऐसे भी, यस और नो, और ये कैसे लगाएगा इस पर सी वाला अट्रैक्टिव लगाएगा, ये एफ थ्री ले लें, ये क्या होगा एफ थ्री भी, सही है कि नहीं। रिजल्टेंट अगेन बाय यूजिंग पैरेललोग्राम्स लॉ, आपको पता है दो वेक्टर हैं तो सिंपल जोड़ना उनको, ट्रायंगल से जोड़ो या पैरेललोग्राम से जोड़ लीजिए। तो कैसे जोड़ोगे, पैरेललोग्राम पूरे करें, इसके पैरेलल लाइन खींच देते हैं, इसके पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, यस और नो, तो ये क्या होगा इनका रिजल्टेंट भी, यस और नो, इसको मैं एफ वन ले लूँ रिजल्टिंग फोर्स ऑन फर्स्ट, या एफ ए एफ भी ले लो किस वजह से, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वन एंड डायरेक्शन ऑफ एफ वन भी, डायरेक्शन इन टर्म ऑफ एक्सप्रेशन देना है भी, याद आपको आर की डायरेक्शन दी हम लोगों ने वहाँ पे, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कोस थीटा भी, अरे याद है कि नहीं है, पुरानी बातें कौन याद रखे, है ना भी। एफ एफ टू निकालो यहाँ से, एफ की बार तो एफ टू कितना आएगा भी, एफ टू क्या आएगा कि चार्ज कौन से हैं क्यू, दूसरा सिक्स क्यू बाई लेंथ कितना था भाई ए, या एल था ए, तो ए स्क्वायर, ये साइड कितना हर एक का ए मान लेते हैं, कर लोगे। एफ टू कितना आएगा सर, एफ टू नहीं निकाला, एफ थ्री कितना आएगा, एफ थ्री के क्यू एट क्यू बाई ए स्क्वेयर, माइनस नहीं लेना, डायरेक्शन दे दी मैंने, मैं आपको ये गलती मत करना भाई, याद रखिए क्लास किसी भी टॉपिक में फोर्स के टॉपिक में हम प्लस माइनस मत लिखना भाई, सीधी सी बात है, एक एग्जांपल मैंने किया था प्लस माइनस में, यह सर ना मत सोई मत करो उसमें, तो क्या दे दो डायरेक्शन दे दो कि अट्रैक्टिव कर रहा है कि रिपल्सिव कर रहा है, ये गलती कर लोगे। ओके, जो मैंने जो फार्मूला बना रखा ना उस पर लिखा हुआ था कि क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, मैं बोला था क्यू वन क्यू टू प्लस के हैं कि माइनस के हैं, मैंने बताया नहीं आपको उस टाइम, मैंने बोला कि लाइक होंगे तो क्या करेंगे रिपेल करेंगे, अनलाइक होंगे तो क्या करेंगे ट्रेड करेंगे, मैंने ये बोला था उसमें सिर्फ आपको। तो किसी भी टॉपिक में फोर्स के किसी टॉपिक में प्लस माइनस नहीं लिखना भी आपको, क्योंकि डायरेक्शन आएंगे साथ में भी, आपने प्लस माइनस भी लिख दिया डायरेक्शन भी दे दी तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका भी, आपने एक चीज़ को नेगेटिव कर दिया और उसको फिर नेगेटिव कर दिया वही आंसर हो गया जो पहले था, ये दो बार कम कर दिया आपने वो चीज़, एक ही बगैर करना है, या तो याद क्या करो प्लस माइनस यूज कर लो, डायरेक्शन मत दीजिए या डायरेक्शन दे दो, तो हम अच्छा ये करेंगे कोई भी प्लस माइनस मत लिखना भाई, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताने के लिए सर प्लस माइनस तो अट्रैक्टिव दिखाएंगे कि रिपल्सिव दिखाएंगे, हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वन भाई, ये एंगल कितना होगा अभी, ये कितना है 60 है ना, ये पूरा 180 होगा तो 120, सिंपल आ रहा है क्या क्या इसमें करने के लिए। ओके, तो कैसे निकालोगे, एफ वन इज इक्वल टू एफ टू स्क्वेयर एफ थ्री स्क्वेयर टू एफ टू एफ थ्री कोस 120 डिग्री, कोस 120, यस और नो, और कोस 120 कितना होता है माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू से टू कर दूं, यस और नो, तो कितना बचा माइनस एफ टू एफ थ्री, पुटिंग द वैल्यूज भी, तो वैल्यू पुट करके निकालना, अभी निकाल लो पाओगे
अरे बता दो, पुट करो वैल्यू जल्दी से, कितना आएगा? एफ टू की वैल्यू कितनी है? ये रही। एफ थ्री की? ये रही। माइनस दिस वैल्यू, ठीक है, जल्दी करो। है एफ टू स्क्वेयर, एफ टू कितना भाई? के सिक्स क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, सही है, प्लस एफ थ्री होल स्क्वेयर आएगा अभी। एफ थ्री के एट क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस कितना? के सिक्स क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इंटू के एट क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, सही है, यही होगा। इस पूरी इक्वेशंस में कॉमन क्या है? रब कर दे भाई इसको, देखो सारे स्क्वेयर में है भाई, सब कुछ स्क्वेयर में है, यहाँ गुणा करोगे स्क्वेयर में आएगा। यस सर नो? के स्क्वेयर कॉमन है सभी में, ओके, क्यू स्क्वेयर कॉमन है सभी में, ए स्क्वेयर कॉमन है सभी में भी, ए स्क्वेयर का स्क्वेयर कॉमन है, यस सर नो? यानी मैं बोल सकता हूँ कि एफ वन इज इक्वल टू अंडर द रूट के क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर सभी में कॉमन है भी। चेक करो यहाँ पे भाई, क्या बचा? सिक्स का स्क्वेयर करोगे 36 प्लस एट का करोगे 64 माइनस आठ हर से कितने 48 हो गया सॉल्व। इस कंट्रोल से बाहर निकालोगे कितना आएगा? के क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर कितना हो गया भाई? 52 अंडर होता है क्या उसका? इतना रख दो, कर लोगे? हो जाएगा, करना तो कर लो, 16 आगे भी कर सकते हो, बस सही था, कर लो पाओगे। ग्रैब करते हैं भाई, ये टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज क्यू इज, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज इज क्यू इज आर कैप्ट एट टू मीटर अपार्ट इन एयर, 2 meter अपार्ट इन एयर। आगे लिखिए द थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू लिख दीजिए इसको, थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन, अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज प्लेस्ड On the line joining the charges such that system remains in equilibrium. Find the position and nature of Q. देखो भाई दो चार्जेस दे रखे हैं, करेंगे बताएंगे अभी आपको। देखिए अभी हमारे पास दो चार्ज हैं अभी, Q और Q, बीच में क्या रखा? कोई Q, पूरा डिस्टेंस कितना है 2 meter का, ये कितना हो गया 1 meter, ठीक है। आपको क्यू का वैल्यू निकालना है और इसका नेचर कैसा होगा, कहाँ रखा गया इसको? सेंटर पे रखा जाएगा, तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है इसका, ठीक है। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा भाई? के क्यू क्यू बाई 1 का स्क्वायर, यस और नो? प्लस स्पेस पे के क्यू स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, सही है, इक्वल टू 0 हो जाएगा भी। अब देखिए कॉमन क्या निकाल लें, के क्यू यहाँ बचा क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर बाई 4 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो कितना आंसर होगा? क्यू प्लस क्यू बाई 4 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? माइनस क्यू बाई 4, ठीक है, हो जाएगा भाई।
इसी को और तरीके से कर सकते, इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से करते हैं अभी, हो गया जो मैंने पहले किया था ना उससे करते हैं इसको। इतना हो गया भाई, ये पूरा हो गया क्वेश्चन आपका। इसको लिखिए टू पॉइंट चार्ज 4 माइक्रो कूलम एंड 1 माइक्रो कूलम आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ टू मीटर इन एयर। Find out the line joining the charges such that force on one column charge of the system is zero. ठीक है, एक लाइन है भाई, इस पे चार्ज रखे गए हैं, कौन कौन से चार्ज हैं? 4 माइक्रो कॉलम एंड 1 माइक्रो कॉलम भी। कितना डिस्टेंस इनके बीच का? 2 मीटर्स का भी। ठीक है, थर्ड चार्ज कहाँ रखे हैं अभी कि नेट फोर्स कितना हो जाए? 0। ओके, अब क्या बीच में रखूँ इसको भाई? सेंटर पे नहीं आएगा क्योंकि इक्वल चार्जेज नहीं है, फोर्स इक्वल नहीं हो सकते। यस सर नो, किस तरफ आएगा बताओ? थर्ड प्लस 1 कॉलम चार्ज है भी, थर्ड का भी चार्ज प्लस ही आई है, तीनों लाइक चार्ज है। 2 1 कॉलम लिखवाया मैंने आपको, वो प्लस का ही है, कर लोगे? तीनों ही लाइक चार्जेज हैं, कहाँ रखें? यहाँ पे रखूँ, तीनों लाइक हैं। ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, फोर्स कैंसिल नहीं हो सकते भी। यस और नो, यहाँ पर रखें, ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, फोर्स कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है अभी। ओके, फिर कहाँ रखें भाई? बीच में पॉसिबल नहीं है क्योंकि नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं, बराबर चार्ज नहीं, कहीं तो लिखना पड़ेगा। यस और नो, ये मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट क्या है? बी है, ये सी पे रख दिया प्लस 1 कॉलम चार्ज। माइक्रो ले लूँ? क्यों ले लेते हैं, चलो 1 कॉलम चार्ज। ठीक है, 1 लिखवाया ना मैंने। ये कितना डिस्टेंस है? एक्स मान लेते हैं, ये वाला 2 - x, ये वाला वो क्वेश्चन होगा जो मैंने छोटा था बीच में, कर लोगे? अब देखो भाई, एक्स निकाल लो, इस पर कितना फोर्स लगेगा अभी हैं? बताओ, ये पॉइंट वो है जहां पे नेट फोर्स कितना है? 0। तो कितना कि 4 माइक्रो कितना होता है? 10^-6 × 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ये वो पॉइंट है भाई, यही क्या हो गया, ये वो पॉइंट है जिस पे मैंने 1 कॉलम चार्ज रखा, ये इसको धक्का मार रहा है वैसे, ठीक है, और ये इसको धक्का मार रहा होगा, यानी दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यस और नो, इक्वल टू किसके भी, कौन से फोर्स के भी? ये इसको धक्का मार रहा है, सही है कि नहीं है? कितना मार रहा है कि 1 माइक्रो इंटू किस पे मार रहा है? 1 पे ही मार रहा है, इस पे निकालना तो मेरे को। यस और नो, इस पे ही निकालना, कितना डिवाइड बाई, आप क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया भाई, मैंने इनके बीच में क्यों निकाला? पहले में करते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, ये निकाल लिया फिर ये निकाल लिया, नेट कितना हो गया? 0, यही किया ना, अब की बार ऐसा क्यों किया?
कि दोनों अनलाइक चार चीजें हैं, ये फोर्स और ये फोर्स अलग है दोनों की। क्या सर नो? अगर इसको सेंटर पे ले जाऊँ ना, मैं सेंटर पे ले जाऊँ तो वही करूँगा जो मैंने पहले किया था। क्या किया था? इनके बीच में निकाला और इनके बीच में एक ही बात थी। क्या सर नो? इनके बीच में निकाला और इनके बीच में निकाला, नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। ठीक है, दूसरा अब ये क्या है पता है? ये फोर्स बराबर नहीं है अभी, तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या होना चाहिए? बराबर हो गए तो कितना हो गया आंसर? जीरो हो जाएगा किसी पॉइंट पे आकर। कर लोगे? एक्स निकाल सकते हो। कैसे? क्या काट दें? 10^6 काट दें, कितना बचा? 4x² इज इक्वल टू कितना बचा भाई? 1 माइनस, सही लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 x² × 4 × x², सही लिखा है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे सारे, कितना हुआ यहाँ पे? 2 x = x, तो कितना आया? 4 − 2x = x, इस तरफ ले जाएं, 4 = 3x, x = 4/3 मीटर, जो भी आंसर। समझ में आई बात है?